We are studying semantics today, which is study of meaning. So semantics is a branch of linguistics which is concerned with the study of meanings. So this is an, uh, like an example in front of you. The words fire department make uh, it sound like uh, they're the ones who are uh, starting fires. लाइक like, अगर इनका नाम होना चाहिए था कोई तो शायद एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट होता क्योंकि तो वो आग लगाते नहीं बुझाते इन द सेम वे क्राइम डिपार्टमेंट का काम क्राइम को रोकना होता है लेकिन नेम सजेस्ट करता है कि ये क्राइम करने वाले बॉम्ब स्क्वाड मीन कि ये बॉम्ब फाड़ने वाले हैं टेररिस्ट हैं लेकिन वो रादर बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने वाले होते द सेम इज ट्रू ऑफ रिंकल क्रीम कि ये क्रीम रिंकल को रिमूव करेगी या डालेगी वे so लाइक uh, like, uh, या पेन किलर्स जो हम देते हैं कि ये पेन ये किलर है पेन किलर तो ऑब्वियस है लेकिन जो होती है, कि ये देगी। अब ये बेसिकली क्या है ये मीनिंग्स हैं जो कि एक वर्ड का मीनिंग लग रहा है लेकिन कई दफा हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और कई दफा मिसअंडरस्टैंड करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के वक्त हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है सो सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कि लफ्जों की मीनिंग फ्रेजेस की मीनिंग सेंटेंसेस की मीनिंग और इससे डील करता है सिमेंटिक्स जिसके बारे में हम uh, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मीनिंग सिंस वी आर डीलिंग विद मीनिंग और स्टडी ऑफ मीनिंग सो स्टडी ऑफ मीनिंग में जो सिमेंटिक्स के फोर टाइप्स हैं ब्रॉडली मीनिंग के दे आर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एसोसिएटिव मीनिंग ने कन्वेंशनल मीनिंग कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है बेसिकली केव कॉन्सेप्ट ऑफ थिंक अब कॉन्सेप्ट क्या है किसी चीज का फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक अबाउट Uh, कि मुझे इंजेक्शन लगने uh, टीका लग रहा है मुझे तो उस टाइम पे उस सेंस में जब मैं सोचूंगा तो मेरे माइंड में क्या चीज आएगी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होगा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ये होगा कि अच्छा वो एक प्लास्टिक का एक कंटेनर है जिसके आगे एक पतली सी लंबी सुई लगी हुई है जो कि बड़ी पॉइंटेड है ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है किसी चीज का कि टेबल के बारे में सोचते हो तो अचानक आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है

एसोसिएटेड विद दो हूँ बुक्स रख सकता हूं मैंने नीडल के बारे में सोचा तो उसके साथ ही एक जो चीज आती है माइंड में वो पेन आता है के नीडल टीका लगना है तो टीके का इमेज माइंड में आएगा और एसोसिएटिव मीनिंग क्या आएगा पेन है ठीक है एक सिंपल से एक्साम्पल देता हूँ पीपीएससी के लिए अप्लाई करना है लास्ट डेट्स में तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है एक लंबी सी लाइन लगी हुई है और एसोसिएटिव मीनिंग क्या है कि आप उसके आप धूप में खड़े हैं पसीने और आप उस बुरी कैफियत से गुजर है आपको फील हो रहा है कि इतनी गर्मी में हमारे साथ ये होगा सो so, हुआ भी लोगों के साथ दिस इज कॉन्सेप्चुअल एंड एसोसिएटिव मीनिंग सो नीडल को सोचने के बाद जो नीडल का इमेज माइंड में आता है वो उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है और फिर एसोसिएटिव मीनिंग है जो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि नीडल को जेन में सोचते ही हमारे मुंह में पानी नहीं आ जाता हमारे माइंड में अचानक पेन की एक आती है कि यार ये चुपती है तो बड़ा दर्द होता है सो नेचुरल मीनिंग फिर हमारे पास होते हैं सो नेचुरल मीनिंग आर द मीनिंग जो कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में डिवेलप होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज स्मोक इज फायर कहीं पे धुआं उठ रहा है तो इट मीन कहीं पे आग लगी हुई है दिस इज नेचुरल मीनिंग इनका नेचुरल कनेक्शन है बादल है और कहीं पे अचानक ठंडी हवा चली तो नेचुरल मीनिंग क्या है बारिश होगी सो so, ये नेचुरली मीनिंग्स कनेक्ट होते हैं देन वी हैव कन्वेंशनल कन्वेंशनल मीनिंग्स अब मीनिंग क्या है कि जो चेंज होते रहते हैं कन्वेंशन के हिसाब से जिससे हमने बात की कि, कि किसी इलाके में अगर हम थोड़ा सा ड्रिंक छोड़ देते हैं तो वो इस चीज की लामत है कि हम बड़े महजब हैं और कहीं पे हम ड्रिंक छोड़ देते हैं तो इस बात की लामत है कि हम नाशुकर हैं शनल मीनिंग चेंज होते रहते हैं लव कहीं पे खतरे का साइन है तो लव कहीं पे सॉरी uh, रेड कहीं पे खतरे का साइन है और वही रेड कहीं पे मोहब्बत का साइन है डिटर्मिन so so करते हैं कि किस चीज को हमने क्या ट्रीटमेंट देना है या किस चीज से हम कौन सा ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो वन वे इन विच The the study of of basic conceptual meaning might be be helpful, would be as a means of accounting for the oddness we we are experiencing when we read sentences such as the following. कॉन्सेप्चुअल अब हमारे माइंड में conceptual मीनिंग है वो conceptual मीनिंग हमारे माइंड में developed है हम उसके बारे में जब सोचेंगे तो कई मरतबा हम किसी ऑर्ड फीलिंग में आ जाते हैं या कोई चीज हमें समझ नहीं आती क्योंकि वो चीज हमारे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा नहीं होता रही हमारे उन उस कॉन्सेप्ट्स के उन लेवल पे पूरा नहीं होता रही बस अगर मैं कहता हूं दैमबर्गर एट द बॉय अब अगर आप सिंटेक्टिकली सेंटेंस को देखें तो देर इज लाइक इश्यू रेडियो द हॉर्स इज रीडिंग द न्यूज पेपर अब ये चीजें ये सेंटेंसेस हमें बड़े यानी ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहे दे आर करेक्ट उसमें कोई इश्यू नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पेयर है और हर चीज अपने ऑर्डर में है ठीक है गलती कहां पे है गलती है मीनिंग में द टेबल टू लिसन टू द रेडियो एट द सेम टाइम वी के नॉट एक्सपेक्ट हॉर्स रीडिंग द न्यूज पेपर क्यों क्योंकि इनके अंदर वो कुछ फीचर्स मिसिंग है जो कि सीमेंटिक फीचर्स कहलाते हैं अगर मैं टेबल को टेबल कहता हूं तो उसका शायद फीचर यह है कि उसकी तीन चार टांगे होती हैं अगर मैं टीके को टीका को कहता हूं तो उसका सीमेंटिक फीचर यह है कि उसके आगे नीडल है जो कि पॉइंटेड है अगर मैं पंखे को पंखा कहता हूं तो वो इसलिए कि एक थ्री वेंड एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूमता है तो हवा देता है ये सारे उसके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है कोई मुझे आके कहेगा मेरे सामने एक गुलाब जामुन रखे कि ये पंखा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग मेरे माइंड में कुछ हो रहा है सो हैम बर्गर एट द बॉय वी नो इट इज ओनली अ बर्गर इट इज इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट तो हिल भी नहीं सकता तो हाउ कैन एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट ईट द बॉय सिमिलरली टेबल तो इन एनिमेट है उसके पास तो ये uh, ही नहीं है तो वो किस तरह सुन सकता है रेडियो को या हॉर्स इज इलिटरेट इन अ वे कि हॉर्स के पास तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या पावर ही नहीं है और हॉर्स किस तरह न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं तो ये सिमेंटिक फीचर्स है हर ऑब्जेक्ट के जो हमें पता होता है मसलन एक मेल है तो उसका सिमेंटिक फीचर क्या है कि अ अ मेल यानी मैन जो है मैन का सिमेंटिक फीचर क्या है मैन एडल्ट ठीक है और एडल्ट के साथ हम कह सकते हैं मैच्योर ये चीजें हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं अब बॉय को जब हम करेंगे तो हम उसके साथ एडल्ट का वर्ड ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉय है ही इज नॉट एडल्ट सिमेंटिक फीचर्स हैं एक मेल है वो फीमेल नहीं है फीमेल मेल नहीं है एक टेबल है वो खबर नहीं सुन सकता जो एक इंसान है वो चारा नहीं खा सकता क्योंकि सिमेंटिक फीचर्स हमारे कॉन्सेप्ट का एक डिफरेंस है प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग मीनिंग इन टर्म्स ऑफ सिमेंटिक फीचर्स तो हमने कुछ कैटेगरी हमारे माइंड में बनी होती है ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल प्लस मीन्स ये माइनस मीन्स नव के प्लस एनिमेट मीन्स यस दिस थिंग दिस ऑब्जेक्ट इज एनिमेट हिल सकता है जानदार है माइनस मीन्स नो इट इज नॉट प्लस ह्यूमन मीन्स यस द ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन क्योंकि हिल तो जानवर भी सकते हैं माइनस मीन्स नो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ह्यूमन फीमेल है नहीं है मेल है नहीं है एडल्ट है नहीं है तो ये चीजें ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट हैं हर चीज के लाइक दीज कॉन्सेप्ट और थिंग्स विच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट टेबल हॉर्स बॉय मैन गर्ल वुमेन अब जब हम इन्हें देखते हैं तो टेबल जो है एनिमेट नहीं है हमें पता है हमारे सिमेंटिक फीचर जब हम अपने माइंड में सोचते हैं टेबल के बारे में तो टेबल इज नॉट एनिमेट टेबल इज नॉट ह्यूमन टेबल इज नॉट फीमेल टेबल इज नॉट एडल्ट हॉर्स पे आएंगे तो हॉर्स एनिमेट हॉर्स एडल्ट लेकिन ह्यूमन नहीं है फीमेल नहीं है फीमेल होती तो मेयर होती बॉय जो है एनिमेट है ह्यूमन है लेकिन फीमेल नहीं है एडल्ट नहीं है मैन कम्स टू थ्री लेवल्स की एनिमेट भी है ह्यूमन भी है एडल्ट भी है बट फीमेल नहीं है गर्ल ऑल्सो कम्स टू थ्री लेवल एनिमेट है ह्यूमन है फीमेल है बट एडल्ट नहीं है एंड वुमेन अचीव फोर वर्ड्स यानी एनिमेट भी है ह्यूमन भी है मेल भी है एडल्ट भी है तो so, इस सबका मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि जब हम मीनिंग्स की बात करते हैं तो जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें वो कुछ ट्रेट्स एट्रिब्यूट करते हैं जो कि उनके लिए पॉसिबल हैं लाइक इंसान के लिए बर्गर खाना पॉसिबल है बर्गर के लिए इंसान को खाना पॉसिबल नहीं है सो दीज आर सिमेंटिक फीचर्स जो कि मीनिंग से रिलेटेड फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्टुअल मीनिंग से रिलेटेड है हमारे कॉन्सेप्ट्स इन चंद पैरामीटर्स पे बनते हैं पैरामीटर्स जरूरी नहीं कि यही हो एनिमल ह्यूमन फीमेल एडल्ट कुछ और भी हो सकते हैं हर एक चीज का एक डिफरेंट पैरामीटर के जिसपे हमने उसको रखा हुआ है पंखे के चार पर भी हैं कुछ पंखे ऐसे भी हैं लेकिन हमारे पास चूंकि पंखे तीन पर वाले हैं तो चार पर वाला पंखा साउंड स्ट्रेंज क्योंकि तो वी आर मोर फेमिलियर विद अ विद्री विंग फीचर्स में इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वर्ड एज कंटेनर्स ऑफ मीनिंग

The verb describes an action kick. The noun phrase in the sentence describes the role of entities such as people and thing involved in the action. We can identify a small number of semantic roles, also called thematic roles, for these noun phrases. So you don't use a thematic role and semantic role. Ye Ab, we are not talking about uh, for example, uh, syntax. Just make

ये ये आपके MCQs आ सकते हैं से टिपिकली ह्यूमन है नॉर्मली ह्यूमन है. है, है. होते हैं लेकिन एक गाड़ी या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी नॉन ह्यूमन लाइक अ कार या वेंड विंड ने कोई चीज ओपन की लाइक like, अब एजेंट का क्या काम है समथिंग हु वर्क ऑन समथिंग जो कि कोई काम करता है किक्स द बॉल सो बॉय इज द एजेंट बॉय इज द एजेंट इज वर्किंग ऑन समथिंग एंड दैट एक्ट इज़ किकिंग और वो बॉल को किक करना वो उसका एक्ट है और एजेंट जो है वो उस एक्ट पे अमल कर रहा है सो पर्सन हु इज वर्किंग ऑन समथिंग विल बी कॉल्ड एजेंट ये आप माइंड में रखें अब आप इसमें सिंटेक्स को मिक्स ना करें थीम वो है जिस पे काम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज द थीम द बॉय बोय द बॉल सो एजेंट इज द बॉय एंड बॉल इज द थीम जिस पे काम हुआ दुआ इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंस सो इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट जो है जब कोई परफॉर्म करने के लिए किसी चीज को कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करता है कोई चीज यूज करता है कोई वेपन यूज करता है कुछ भी यूज करता है किसी काम के फंक्शन के लिए सो so, वो चीज जो है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल द बॉय कट द रोप विद एन ओल्ड रेजर और ही ड्रिक्चर विद्रेन तो यहां पे ओल्ड रेजर और क्रेन यूज हो रहे हैं कुछ चीज की परफॉर्मेंस के अंदर तो ये इनका सिमेंटिक रोल यहां पे क्या है इंस्ट्रूमेंट का सो दिस थिंग इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं आई राइट विद अ पेन सो जो पेन uh, है वो मेरा इंस्ट्रूमेंट है आई राइट विद अ पेन ऑन पेपर पेपर थीम है मैं एजेंट हूं और जो पेन है वो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि मैं उससे कोई काम कर रहा एक्सपीरियंस ऑन द अदर वे इज समथिंग जो के किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है है ये भी एजेंट की तरह लेकिन इट इज इन फैक्ट एक्सपीरियंसिंग समथिंग नॉट डूइंग समथिंग सो व्हेन अ अ अ नाउन फ्रेज इज टू एन एज पर्सन हु हैज फीलिंग परसेप्शन ऑफ स्टेट इट फील्स सिमेंटिक रोल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल द बॉय फील सैड तो यहां पर बॉय एजेंट नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली अगेन सिंटेक्स की तरह हम हर एक को सब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पे हर काम सब्जेक्ट की तरह नहीं हो रहा हम चूंकि अलग रख रहे हैं तो अगर एक बंदा प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट करके काम कर रहा है तो वो तो फिर एजेंट है लेकिन अगर वो कोई काम नहीं कर रहा लेकिन कुछ चीज को फील कर रहा है सोच रहा है इनएक्टिव है तो उस सूरत में वो एजेंट नहीं है वो एक्सपीरियंसर है क्योंकि वो उस चीज को फील करने के सिचुएशन में सो बॉय बॉय फील इज इज नॉट एजेंट ही एक्सपीरियंसर टिक रोल या डिड यू हेयर द नॉइज तो इसमें अगेन यू आर एक्सपीरियंसर यूर नॉट डूंग समिंग टू लिसन टू दूरत में आप एजेंट नहीं है आप एक्सपीरियंसर कोल्ड, तो उस सूरत में भी हम या सूरत में भी हम एजेंट नहीं है हम एक्सपीरियंसर अब कुछ और सीमेंटिक रोल्स होते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन रोल ऑफ लोकेशन जब कोई एंटिटी है जिस तरह ऑन द टेबल इन द रूम द रूफ तो वो वॉल और वेयर द एंटिटी मूव फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम एंड वेयर इट मूव इज कॉल्ड गोल जहां से एंटिटी कोई मूव करती है वो सोर्स लाएगा और जहां पे वो रीच करती है दैट इज गर्ल के फॉर एग्जांपल असलम इज राइटिंग अ लेटर अ पेन तो असलम जो है एजेंट है उसमें जो पेन है बेसिकली वो उसका इंस्ट्रूमेंट uh, uh, है पेपर जो है वो थीम है एंड नाउ असलम इज थिंकिंग टू पोस्ट इट थिंकिंग इज इधर असलम एजेंट नहीं बनेगा वो एक्सपीरियंसर बन जाएगा क्योंकि ही इज ओनली थिंकिंग फिर द लेटर कम्स फ्रॉम शिकागो टू इस्लामाबाद तो शिकागो जो है एंड रीचे तो शिकागो जो है वो सोर्स था इस्लामाबाद लोकेशन थी या गोल था सॉरी और जो टेबल है वो लोकेशन बन गई कि वो उसके टेबल पे पहुंच गया सो so असलम जो खत लिख रहा है वो एजेंट है खत जो है वो थीम है जिस पेन से लिख रहा है वो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो खत पोस्ट करने के बारे में सोच रहा है तो वो एक्सपीरियंसर है जब उसका खत उसके इलाके से चलता है तो उसका इलाका सोर्स है जब वो या असलम खुद लेटर भेजता है तो असलम सोर्स है अहमद उसको रिसीव करता है अहमद गोल है अहमद उसे अपने टेबल पे रख देता है टेबल उसकी लोकेशन है सो दीज आर दिमेंटिक लाइक रोल्स जो के इसमें परफॉर्म होते हैं मुख्तलिफ किस्म के अब ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं मैरी ऑफ फ्लाई ऑन द वॉल सो मैरी इज ओनली वॉचिंग नॉट डूइंग एनीथिंग सो मैरी इज नॉट एन एजेंट शी इज राधर एन एक्सपीरियंस फ्लाई थीम है लोकेशन so uh, so uh, क्या है वॉल जिसके ऊपर है शी बोर मैगजीन फ्रॉम जॉर्ज सो शी एजेंट क्योंकि बोरो करना एक प्रैक्टिकल वर्क है एक्टिव वर्क है

जिसमें हम सेम मीनिंग रखते हैं या मीनिंग्स का मीनिंग्स की सेमनेस होना जरूरी है अब एंटेनिम्स में हमारे पास ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल भी होते हैं ये नॉन ग्रेडेबल ग्रेडेबल मीन्स के अब टॉल है तो टॉल के साथ टॉलर टॉलेस्ट ये तो हमारे पास है या शॉर्ट का एंटेनिम है टॉल अब आ, इसके इसका हम मैयर कर सकते हैं कि ही इज मोर टॉलर देन मी ही के ये ये है। ग्रेड कर सकते हैं इसको। नॉन ग्रेडेबल कौन से जिसको हम ग्रेड नहीं कर सकते के आ, वो मर गया ही इज डेड तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई माई कजन वॉज मोर डेडर देन यूर कजन मर गया तो मर गया खत्म हो गया अब उसके अंदर ग्रेडिंग पॉसिबल नहीं है फर्दर तो जो मर गया उसके अंदर तो कोई ग्रेडिंग नहीं है So, कुछ ग्रेडेबल होते हैं कुछ नॉन सिनोनिम्स बेसिकली वो हैं जिसके अंदर हम वी नीड सेमनेस ऑफ मीनिंग जिसमें हम मीनिंग को लेके चलते हैं जरा प्लीज बी रेलिवेंट हम अभी सिमेंटिक्स की बात कर रहे हैं मैं इस यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बता देता हूं अभी एंड देन लेक्सिकल रिलेशन थर्ड थिंग इज हाइफोनेमी

आपस में कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं अब वो कॉमन क्या शेयर कर रहे हैं इन सब के अंदर कॉमन ये है कि दे आर लिविंग थिंग इन सब के अंदर कॉमन ये है कि दे आर लिविंग थिंग अब अगर हम डॉग और हॉर्स को देखेंगे तो इनके अंदर कॉमन क्या है दे आर एनिमल एंट कॉकरोच को देखेंगे तो इनमें कॉमन क्या है दे आर इंसेक्ट्स अब एंट और कॉकरोच का आपस में रिलेशन इंसेक्ट का, इंसेक्ट का भी है क्रिएचर का भी है लिविंग थिंग का भी है कैरेट और पाइन का आपस में रिलेशन प्लांट का भी है लिविंग थिंग का भी है तो ये इस तरह एक दूसरे के कोहाइपोन बनते हैं सो हाइपोनिम प्रोसेस जब एक फॉर्म का एक मीनिंग उसके दूसरे मीनिंग में भी दूसरी चीज के मीनिंग में भी इंक्लूडेड हो सो दो हाइपोनिम्स देन वी है क्या होते हैं प्रोटोटाइप ये कि हर एक चीज का एक आइडियल शेप अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जब भी बर्ड्स की बात करेंगे इनके हवाले से रॉबिन क्योंकि यहाँ पे रॉबिन यूरोप में कॉमन है यहां पे कॉमन नहीं है लेकिन यहाँ पे वील बी टॉकिंग अबाउट लाइक स्पैरो इज़ मोर फ्रीक्वेंट तो हम जब भी बर्ड की बात करेंगे हमारे माइंड में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी कि जिसके जिसने एनक लगाई हुई है हैंड्स फ्री लगाई हुई है और उड़ता जा रहा है नो no. हमारे माइंड में एक एक यानी बेस्ट शेप ऑफ बर्ड आएगी जो कि उससे मयर्स पे पूरा उतरता है जिसरा एक चिड़िया सो चिड़िया इज अ परफेक्ट बर्ड या रॉबिन इज अ परफेक्ट बर्ड अब उसके बाद जब हम फर्दर देखते हैं तो ईगल थोड़ी सी एक लाइन उनकी जो नव है वॉल्चर अपनी गर्दन के हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं हैंस वो भी बर्ड्स हैं लेकिन डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फ्लैमेंगो डिफरेंट काइंड ऑफ अ बर्ड पालिकन इज अ डिफरेंट बर्ड सो ये क्या है चीजें बेसिकली ये हैं तो एक दूसरे के कोहाइपोन लेकिन अगेन इनके अंदर भी जब हम सोचेंगे तो एक बेस्ट एक प्रॉपर्टी हमारे माइंड में आती है या हम जैसे सोचते हैं कि फर्नीचर तो सबसे पहला जो चीज हमारे माइंड में आती है दैट इज टेबल एंड चेयर क्योंकि ये फर्नीचर हम प्रोटोटाइप इनको समझते हैं या जब हम सोचते हैं माइंड में के स्टडीज तुम्हारे तो सेज में सबसे पहले बुक्स आती हैं सो बुक्स आर द प्रोटोटाइप ऑफ नॉलेज या स्टडीज ठीक है तो ये बेसिकली प्रोटोटाइप्स होते हैं कि हर एक चीज का एक प्रोटोटाइप है हमने अक्सर प्रोटोटाइप बनाया होता है कि इफ वी आर टू बी मैरिड टू समवन तो प्रोटोटाइप क्या होगा The best person that we are imagining in our mind. So, prototype, then we have homophones and homonyms. Homophones, same when two or more different forms have the same pronunciation, they're described as homophones like bear, bear, meat, meat, floor, uh, floor, floor, pale.

लेकिन इनकी साउंड सेम है इनको बोलने की तो ये वो वर्ड्स जो आपस में ऐसा रिलेशन रखते हैं कि जो uh, बोलने में डिफरेंट है तो दे आर कॉल्ड होमोफोन्सिकली रिटर्न फॉर्म्स डिफरेंट है और वो होमोनिम्स बन जाते हैं जब उनके अनरिलेटेड मीनिंग्स निकल आते हैं सो होमोफोन्स एंड होमोनिम्स आर अबाउट नेम का मतलब ही मीनिंग है सो so, होमोफोन का मतलब है आवाज सो so, होमोफोन्स

क्योंकि इनके मीनिंग रिलेटेड है हेड ऑफ बॉडी जो बॉडी का तो रिलेटेड है डिफरेंट नहीं है सो दीज आर कॉल्ड पॉलिसेमी देन वी हैव मिटोनमी सो मिटॉनमी इज काइंड ऑफ पॉलिसेमी दिस इज बेस्ड ऑन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी लेकिन इसमें क्या है बेसिकली कि वी रिलेशनशिप जो कि हमारी क्लोज कनेक्शन या एवरी डे एक्सपीरियंस की बेस पे वो कनेक्शन बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता तो हूं कि व्हाइट हाउस से खबर आई है तो इट ड मीन कोई घर है जैसे खबर आई दैट मीनस की दिंग कम्स फ्रॉम अमेरिका द अमेरिकन प्रेजिडेंट क्राउन ने यह कहा इट मीन की क्राउन कैनॉट स्पीक लेकिन किंग ने कुछ कहा या इस्लामाबाद ने डेली को, डेली को खत लिखा तो न्यू डेली जो है इंडिया इस्लामा इज फॉर पाकिस्तान जो रिलेशन है ये क्लोज कनेक्शन में है एवरीडेस के हवाले से जिनको हम जानते हैं so, ऐसे जो, uh, container content relation वाले, इनको हम क्लोज uh, कनेक्शन uh, वाले मिठानमी कहते हैं दो चीजें जो है वो आपस में रिलेटेड है जिनका आपस में एक रिलेशन है जो कि मौजूद रहेगा खत्म नहीं हो सकता के, uh, so कि वन एस्पेक्ट ऑफ ऑफ नॉलेज वर्ड्स नथिंग टू डू विद एनी फैक्टर्स कंसीडर्ड सो कहेंगे तो अगली जो चीज आएगी हैमर है ब्रेड के साथ बटर आएगा टेबल के साथ, uh, uh, like, uh, प्लेट के साथ स्पून आएगा सॉल्ट के साथ पेपर आएगा हस्बैंड के साथ वाइफ आएगा तो ये वो क्या है जिंदगी के साथ मौत आएगा ये हैं। कि कुछ वर्ड्स जो uh, like uh, oh, wow. दे चीजें लेकिन हैं। hammer, क्योंकि दोनों का आपस में साथ है ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाएंगे वैसे तो नहीं खा जाएंगे सो आर इंटर रिलेटेड कुछ अपनी कॉमन characteristics case hum collocations so this is about uh, all about semantics for today and uh, tomorrow we are going to begin with pragmatics inshallah